Assalamualaikum, welcome to my cooking channel. मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में बीफ नगेट्स। बीफ नगेट्स बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो कीमा लिया है, हमने मशीन का लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने लिए 4 अलग बड़े वाले डबल रोटी के स्लाइस लिए, 1 कप हमने लिया है। इसके अंदर दूध, 1 अंडा डालेंगे इसके अंदर, और 1 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, 1 कप हमने तकरीबन 5 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं 5 चम्मच या 1 प्याली प्यार के हमने लिया इसमें सोया सॉस, 6 से 7 हमने लिए हरी मिर्चें, 1 चम्मच हमने लिया है नमक, 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या है, ब्लेंडर मशीन में हमने जो हमारे पास कीमा है इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है, ठीक है। हमने कीमा डाल देना इसमें सबसे पहले, कीमे के साथ ही हमारे पास जो हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चें और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल, और अब इसको हमने बहुत अच्छे से इसमें मिक्सर में डाल के मिक्स कर लेते हैं। तीन चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, नमक, ठीक है, अब इनको मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो 1 कप 4 स्लाइस हैं हमने उनको इस तरीके से पीसेस में करके डाल देना है, ठीक है। डबल रोटी के स्लाइस डालने का जो हमारे पास 1 कप दूध था हमने दूध डाल दिया, ठीक है। दूध डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करें, अंडा, ठीक है, हमारे पास एक गलत अंडा था, हमने अंडा डाल दें, अंडा डाल के एक दफा और मिक्स कर लेंगे। अंडा डाल के हमने मिक्स कर लिया, हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। 30 मिनट के लिए हमने नगेट्स के बैटर को उठा के रख दिया था फ्रिज के अंदर, ठीक है। अब हमने इसको शेप देना है, शेप देने के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से एक फ्राई पैन में हमने कुकिंग ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, ठीक है। शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े हम बनाएंगे, इस साइज में हम बनाएंगे, ठीक है। और उसे फ्राई कर इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, उसको डालते जाएंगे। एक साइड से हमारे नगेट्स जो है बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, इस तरीके से गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच भी नहीं करना है हमने, ठीक है, मीडियम से भी स्लो आंच पे हम पकता रहे इसे, ताकि अंदर से पक जाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के टूट जाए, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए हमारे दोनों साइड पर बहुत अच्छे से सीख गए, देखिए दोनों साइड पर ब्राउन होगा, इसी तरीके से हमने तमाम नगेट्स को डीप फ्राई कर देगा, ठीक है। आज के हमारे बीफ नगेट्स की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा मेन्यू पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए मेन्यू के साथ।